आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्राइम टीवी की तरफ से आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे देश और प्रदेश में गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर पूरी विधानसभा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस खास मौके पर हम आपको विधानसभा से सीधी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। आइए चलते हैं इन तस्वीरों की तरफ। आज पूरा देश और प्रदेश गणतंत्र दिवस मना रहा है। 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। वहीं विधान भवन को आकर्षण का केंद्र माना जाता है। बड़ी संख्या में लोग परेड देखने पहुंचते हैं। पूरा देश गणतंत्र के जश्न में डूबा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लखनऊ की विधानसभा से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरे विधानसभा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीधी तस्वीरें आपको विधानसभा से दिखा रहे हैं और विधानसभा से सीधे रुख करेंगे संवाददाता विवांशु का। विवांशु, आप विधानसभा में मौजूद हैं, हमारे दर्शकों को लाइव तस्वीरें दिखाएं कि कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। जी मयूरी, आपको बता दें कि आज अपना देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के विधानसभा पे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा सबसे पहले ये तस्वीर दिखाएं कि विधानसभा को पूरी दुल्हन के माफिक सजाया गया है। तिरंगे रंग के कपड़ों से पूरे लपेटा गया है। साथ ही आप देख रहे हैं ठीक सामने कि अभी 10 बजे प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आकर ध्वजारोहण करेंगी। साथ ही आपको बताएं कि स्कूली छात्रों के द्वारा यहाँ परेड किया जाएगा। साथ ही साथ सेना के अलग अलग जवान, जो सेना पुलिस की अलग अलग वाहिनी है, वो अपना यहाँ प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि आज के ही दिन अपने देश का संविधान लागू हुआ था और 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के बाद अपना संविधान लागू हुआ था। 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान बनाने में लगे थे और आज के ही दिन सन 1950 में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने पदभार को संभाले थे। तो इस दिन को हम कहीं ना कहीं देखें तो भारत का संविधान है, तो संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपको बताएं कि आज 10 बजे प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ध्वजारोहण करके और इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएंगी। आप तस्वीरों में देख रही होंगी कि सेना के जो जवान हैं, जो झंडा फहरेगा उस समय कहीं ना कहीं जो सल्यूट होता है उसको देने के लिए आप तस्वीर में देख रहे होंगे ठीक सामने खड़े हैं। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ मौके पर अगर देखें तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौजूद है। आपको बताएं कि पुलिस मुख्यालय पर झंडा फहरा दिया गया है, राजधानी दिल्ली में भी झंडा फहरा दिया गया और 10 बजे यानी कि कुछ ही समय के अंदर, लगभग 20 मिनट के अंदर ध्वजारोहण का कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मयूरी, अगर बात की जाए तो इस बार का जो गणतंत्र दिवस है वो बेहद खास है क्योंकि इस साल हम आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को मनाए हैं। और बात की जाए तो आज जब झंडा रोहन हो जाएगा उसके ठीक बाद स्कूली बच्चों का और पुलिस की अलग अलग वाहिनियों के द्वारा
परेड निकाला जाएगा, जिससे साफ संदेश रहेगा जो देश की अखंडता है और एकजुटता है उसको कहीं ना कहीं दिखाया जाएगा। वही स्कूली बच्चों के द्वारा जो अगर देखें तो स्कूली बच्चों के द्वारा महापुरुषों के अवतार में वो नज़र आएंगे, वो उनके वेशभूषा में नज़र आएंगे। आपको बताएं कि CMS की तरफ से भी एक भव्य जुलूस का यहाँ पे एक परेड का इंतजामात किया गया है। वहीं आपको बता दें ये जो परेड निकलेगी, जो राजधानी लखनऊ का गणतंत्र दिवस है जी, ये जो परेड निकलेगी ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसका क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है? जी मयूरी, आपको बता दें कि परेड की शुरुआत वेलिंगटन चौराहे से होगी जो कि परिवर्तन पे जाके ख़त्म होगी। आपको बताया कि इस बार परेड के अंदर में खास ये है कि जो बेगर्स है, जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, उनको एक NGO के द्वारा उन्हें कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें ट्रेन किया गया है। साथ ही उनको जो भीख मांगने पे विवश थे उनसे उनके ज़िंदगी का जो महत्व है उसके बारे में NGO बताया गया है। और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनसे मुलाकात करके और जीवन कैसे जीते हैं, जीवन का क्या महत्व है उसको समझा कर आज इन बच्चों को लगभग 7 से 8 महीने की ट्रेनिंग दी गई है। वो आज इस विधानसभा के ठीक सामने मार्च करते हुए मयूरी नजर आएंगे। अगर बात की जाए तो ये बच्चों के साथ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ऊंचे ख्वाबों को लेकर आज यहाँ पहुँचेंगे। उसी में एक उन 45 बच्चों में से एक माही का कहना है कि हम आगे चलकर डॉक्टर बनके चिकित्सा क्षेत्र में देश की जो प्रगति है उसमें अपनी हिस्सेदारी देना चाहते हैं। और मयूरी आपको बताए कि अगर बात की जाए तो अग्निशमन विभाग PSC साथ ही साथ पुलिस की जो टोटल पूरी वाहिनी है, हर एक वाहिनियों के द्वारा अलग अलग तरह का परेड मार्च किया जाएगा। साथ ही अगर बात की जाए तो आर्मी की तरफ से भी यहाँ परेड किया जाएगा, स्कूली बच्चों के साथ परेड किया जाएगा। आप ठीक सामने देख रहे हैं ये गुब्बारे हैं जो जब झंडारोहण माननीय राज्यपाल करेंगी उस वक्त ये बैलून जो है उसको आकाश में छोड़ा जाएगा। साथ ही आपको बताएं कि कहीं ना कहीं आज का जो त्यौहार है वो देश भर में पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। चाहे बात की जाए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक रंग में रंगे नजर आ रहे हैं हर तरफ। जो देखे तो इस गणतंत्र दिवस के पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जी विवांशु, मैं चाहूंगी कि एक बार आप फिर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार वो आपको कोशिश करें पीछे दिखाने का कि जो दर्शक दीर्घा है वो भी धीरे धीरे भरती जा रही है और भारी संख्या में यहाँ पर दर्शक परेड देखने, ध्वजारोहण देखने इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। वही आपको बताएं कि कहीं ना कहीं देखें तो जो हमारा देश इस बार आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया है वो एक खास तौर पर इस बार गणतंत्र दिवस भी मनाते हुए नजर आएगा, क्योंकि हम आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और इस बार हम गणतंत्र दिवस के जो 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आपको बताया कि 2 साल 11 महीने 18 दिन के कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उनके इतने दिनों के मेहनत के बाद भारत का जो संविधान है, यानी कि जिस पर जो मूल मंत्र है, जिस पर ये देश चल रहा है, जिस सिद्धांतों के अंदर में आकर कहीं ना कहीं हर एक वर्ग को एक समानता, साथ ही साथ सबको अधिकार की जो ताकत दी गई है वो आज के ही दिन से दी गई है। आज के ही संविधान के ही को कहीं ना कहीं एक ग्रंथ समझ कर हमारे देश के जो नागरिक हैं वो उसका पालन करते हैं और संविधान को हम सर्वोपरि मानते हैं। आपको बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान का जो रचयिता के रूप में माने जाते हैं उनके साथ लगभग दर्जनों लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे। उनके द्वारा 2 साल 11 महीने 18 दिनों के अंदर ये जो संविधान हमें बाबा साहब ने दिया है इसको पूरा किया गया था। आपको बताया कि इस संविधान में अगर देखें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, चाहे वो किसी वर्ग का हो चाहे वो किसी जाति का हो, सबको एक समान अधिकार दिया गया है और कहीं ना कहीं उन्हीं चिन्हों पे चलकर आज हमारा देश
जो विकास की रफ्तार या हम देखें जो सामाजिक समानता है वो कहीं ना कहीं संविधान से ही देखने को मिल रही है। आपको बताया कि मयूरी की अगर जो हम देखें तो आज के दिन को बेहद खास दिन के तौर पर कहीं ना कहीं देखा जाता है। अगर बात की जाए तो आज के ही दिन पहले राष्ट्रपति ने शपथ लिया था और आज के ही दिन हमें जो भारत का संविधान है यानी का जो जिस किताब पे हम पूरे फॉलो करते हुए जिस ग्रंथ को हम देख सकते हैं कि वो देश का ग्रंथ है उसको फॉलो करते हुए कहीं ना कहीं आज देशवासी आज 74 साल देश को आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को लागू होने के बाद 74 साल बीत चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि 26 जनवरी को अगर देखें तो भारत को अपना संविधान मिला था और संविधान की जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में इसकी लेखनी की गई थी। आपको बताएं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया था और आज के दिन से लागू किया गया था। वहीं आपको बता दें कि आज के दिन पहली बार परेड निकाला गया था जिसमें अगर बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश शासन के दौरान इसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो जानने के बाद पहली बार रैली के माध्यम से कहीं ना कहीं देखे तो कश्मीर से लेकर अब कन्याकुमारी तक एक रंग में एक धागे में बना हुआ दिखाया गया था। जी मयूरी, सीएम योगी कब तक पहुंचेंगे और जितने भी गणमान्य हैं ध्वजारोहण में अभी कितना वक्त है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि महज कुछ ही समय के अंदर ध्वजारोहण हो जाएगा। जो अगर कार्यक्रम का के मुताबिक बात करें तो 10 बजे तक ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है और सूबे के मुख्यमंत्री कुछ ही समय के अंदर ये कार्यक्रम में मौजूदगी अपनी देंगे। अभी अगर बात की जाए तो राज्यपाल जो प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल वो आ चुकी हैं और अगर बात की जाए तो लखनऊ के DM आला अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं और सब आज इस आज़ादी के इस गणतंत्र दिवस के पर्व को राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए कहीं ना कहीं एकत्रित है और इस पर्व पे अगर देखा जाए तो आज देश हर एक जगहों पे मनाया जा रहा है और अगर देखें तो आज यहाँ विभिन्न कार्यक्रम भी रखे गए हैं। अगर कार्यक्रमों की बात करें तो यूपी की जो होमगार्ड है उनकी महिला टुकड़ियों का विशेष यहाँ परेड देखने को मिलेगा। साथ ही जो पुरुष होमगार्ड हैं उनके ब्रास बैंड के से ये गूंजेगा ये प्रांगण। साथ ही अगर बात की जाए तो PRD की महिला टुकड़ियों के द्वारा भी यहाँ पर परेड देखने को मिलेगा। वहीं आपको बताया कि अग्निशमन विभाग की तरफ से भी यानी कि फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से भी यहाँ पर अपने जो प्रदर्शन है उनको देखने को मिलेगा। आपको बताया कि अगर बात की जाए तो लगभग दर्जनों की संख्या में मार्च यहाँ होंगे। वहीं आपको बताया कि पैदल टुकड़ियों में अगर देखें तो स्कूली बच्चों के भी परेड होंगे जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ विधानसभा के ठीक सामने प्रस्तुत किए जाएंगे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस राष्ट्रीय पर्व को कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज पूरा देश इस पर्व को मनाने में जुटा हुआ है। जी विवांशु, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आगे भी मैं आपका रुख करूंगी। मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ कुछ ही देर में होने वाला है। तो ये थे हमारे साथ विवांशु जो राजधानी लखनऊ के विधानसभा से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे। बता दें आज पूरा देश प्रदेश गणतंत्र दिवस का पर्व मना रहा है। लखनऊ के विधानसभा को दुल्हन की तरह सजाया गया है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।